हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये 10th मैथ्स सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 2015 आउटसाइड दिल्ली के सेट में आ चुका है और जो क्वेश्चन पहले आ चुके होते हैं उनको आपने जरूर एक बार कर लेना चाहिए, ताकि इससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आप उस टाइप के क्वेश्चन को फिर ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं जब एक बार आप ऐसा कर लेते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है एपी का क्वेश्चन है। इन एन एपी, एक एपी है, इफ सम ऑफ 5 टर्म एडेड विद सम ऑफ 7 टर्म इज इक्वल टू 167। यहां पर कहा गया है कि आपके पास में एक एपी है, उसके 5 टर्मों का जो सम है अगर उसको ऐड किया जाता है 7 टर्मों के सम के साथ में, तो वो आ जाता है 167। यानी कि सम ऑफ 5 टर्म एडेड विद सम ऑफ 7 टर्म इज इक्वल टू 167। एंड सम ऑफ 10 टर्म, ये अलग से दिया है, सम ऑफ 10 टर्म हमको अलग से दे रखा है 235। तो कहा गया है देन फाइंड द एपी, आप एपी को निकालिए। और जहां पर आप एसएन जो है जब भी लेंगे तो वह एसएन का मतलब क्या होगा, वो होगा एसएन डिनोट करेगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो जो फॉर्मूला यूज होना है पहले हम यहां सबसे पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला यूज जो हम करेंगे वो है एसएन का। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म। एसएन सम ऑफ एन टर्म को डिनोट करता है और फॉर्मूला तो बहुत इजी सा है, एन बाई टू टू ए एन माइनस वन डी। सम ऑफ एन टर्म यानी कि आपके पास में एन टर्म है और आपने उनका सम करना है, तो एन टर्म जितना भी है उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए और 2a सम ऑफ, ये सॉरी 2a का मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म एडेड विद, जोड़ना है आपने जितने टर्म है टर्म में से माइनस 1 करके कॉमन डिफरेंस के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये sn जो है वो पूरा का पूरा एक फॉर्मूला, हमने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया। यहां पर n मतलब है नंबर ऑफ टर्म, a मतलब है फर्स्ट टर्म, d मतलब है कॉमन डिफरेंस। तो लेट फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं कि जो पहला टर्म है बी ए एंड कॉमन डिफरेंस जो हम लेने जा रहे हैं ना, जो जब जब हम एक एपी लेते हैं तो एपी में क्या करते हैं, एक टर्म फिर उसके बाद दूसरा टर्म फिर उसके बाद तीसरा टर्म, ऐसे कंसेक्यूटिवली टर्म आते रहते हैं। तो जो कंसेक्यूटिव टर्म होते हैं उनका जो बीच का जो गैप होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, उसको आप बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वो भी कॉमन डिफरेंस। और सारे कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं एक एपी में, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो हमने क्या सपोज कर लिया, यहां पर डी कॉमन डिफरेंस को डी सपोज कर लिया है, फर्स्ट टर्म को हमने ए सपोज कर लिया है, करेक्ट। अब हमको कहा गया है जो गिवन है उसको जरा लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन है सम ऑफ 5 टर्म प्लस सम ऑफ 7 टर्म इज इक्वल टू 167। ये हमको गिवन है। अब क्योंकि सम ऑफ 5 टर्म दिया है तो हम इसको इस फॉर्मूले से ओपन करेंगे। इसको लिखेंगे 5 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 सॉरी ट्वाइस ऑफ ए प्लस 5 माइनस 1 और ये डी। ये हमने सम ऑफ 5 टर्म को यहां पर लिख लिया इस फॉर्मूले के थ्रू। एस एन होता है n बाई 2 टू ए एन माइनस 1 डी, इसलिए एस 5 होगा 5 बाई 2 टू ए प्लस 5 माइनस 1 डी। अब एस 7 को ऐड करना है हमें, तो ऐड भी कर देते हैं। तो एस 7 को भी इसी फॉर्मूले के थ्रू लिखेंगे, 7 अपॉन 2 टू ए 7 माइनस 1 डी। और जब दोनों को जोड़ेंगे ना, S5 S7 को जोड़ेंगे तो S5 का जो हमने एक्सपेंशन किया था और S7 का जो एक्सपेंशन किया था, S5 ये है S7 ये है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 167 आएगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमने यहां पर 167 इसको लिख लिया। अब ये है 5 बाई 2, अब ये है 2a,
फाइव, ये टू ए है, ये फिर प्लस फाइव में से बन गया फोर, और ये डी फोर डी। तो ये जो एस फाइव था ना, अब हमारा हो गया है फाइव बाई टू टू ए फोर डी, क्योंकि यहां पर टू ए प्लस फाइव माइनस वन डी था, तो ये फोर डी हो गया। और यहां सेवन अपॉन टू अब क्या हो जाएगा, ये सेवन एस सेवन क्या हो जाएगा, सेवन अपॉन टू तो लिखा ही है, और टू ए होगा सेवन में से बन गया सिक्स, सिक्सटी इज इक्वल टू वन सिक्सटी सेवन, करेक्ट। अब आप क्या कीजिए, अब आप ये कीजिए कि यहां से आप टू कॉमन ले लीजिए, ठीक है, इन दोनों में से आप टू कॉमन ले लीजिए, मैं इन दोनों में से टू को कॉमन ले लेता हूं, ये आ जाएगा ए, टू बाहर आ गया, और टू 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 जब फोर होता है तो इसलिए टू और ए टी, मैंने दोनों में से टू को कॉमन ले लिया, और ये टू इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। हम रिड्यूस करते हुए, हम इस जहां पर भी हमको रिड्यूस करने का चांस मिलता है, हम रिड्यूस करते हुए चलते हैं, ताकि जो हमारा इक्वेशन है वो इजी होता हुआ चला जाए। तो ऐसे में याद रखना, आपने जरूर रिड्यूस करना एक बार, क्योंकि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा कि किस तरीके से कॉमन लेकर के ये नीचे वाले टर्म्स को काटा जाता है ना, किस तरीके से कॉमन लेकर के नीचे वाले टर्म को काटा जाता है, ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगा जब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे। सेम ईयर यहां पर भी आप टू कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा ए और ये बचेगा थ्री डी इज इक्वल टू 167, क्योंकि एस फाइव और एस सेवन का सम 167 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो यहां पर 167 तो रहेगा ही, तो यहां से टू भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास भी यहां आ चुका है फाइव, ये बचा है, और यहां बचा है ए प्लस टू डी प्लस सेवन ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 167। इसको भी ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5a और ये 5 टू जा 10d, देखो 5a जा 5a, 5 टू जा 10d, 7a जा 7a, 7 3 जा 21d इज इक्वल टू 167। 5a प्लस 7a हो जाएगा 12a, 10d प्लस 21d हो जाएगा 31d, और ये आ गया है 167। तो ये हमारा अब एक फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लेंगे S10 का सहारा। यहां दिया है, एक और दिया है S10 इज इक्वल टू 235, 235, ठीक है, ये 10 को थोड़ा छोटा बना लेंगे आपका, अपना सोचिए कि आप यहां बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा लिखा रहता है S10, ये सबस्क्रिप्ट फॉर्म पे लिखा रहता है ना, तो ये आपका आगे, ये भी आपको गिवन है, आपने इसको यहां लिख दिया कि ये तो गिवन है। अब आपको पता है कि S10 को कैसे लिखा जा सकता है, S10 को भी हम इसी फॉर्मूले से एक्सपैंड करेंगे, Sn के फॉर्मूले से इसको खोलेंगे, तो Sn होता है n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ऐसे S10 को क्या होना पड़ेगा, 10 बाई टू एन बाई टू हो जाएगा, जो कि 2a, a हमें नहीं पता है, n माइनस वन डी, एन हमें पता है कि n है 10, 10 माइनस वन, और यहां पर हो जाएगा d इज इक्वल टू 235। देखिए यहां पर 2 से 5 कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कैंसिल आउट नहीं किया था, 2 से ये 7 भी कैंसिल नहीं हो रहा था, तो कैंसिल आउट नहीं हो पाया था वहां से, पर यहां हो रहा है 25 10, तो जरूर आपको रिड्यूस कर लेना चाहिए अपनी इक्वेशन को ना। अब यहां पर है 5 और ये हो गया 2a प्लस 90 इज इक्वल टू 235। अब अगर आप चाहो तो इस 5 को इधर नीचे लेकर के जा सकते हो, और आपको ले जाना चाहिए ताकि इजी से इजी इक्वेशन बन सके, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 90 और 235 डिवाइडेड बाय 5, 5 से जब इसे कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20 और फिर 3 बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 7 जा 35, तो ये आपके पास में जो आ गया वो आ गया आपका सेकंड इक्वेशन, करेक्ट। तो अब आप क्या कीजिए,
इस फर्स्ट इक्वेशन से इस सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। पर कैसे सब्सट्रैक्ट कीजिए, पहले इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। 6 से मल्टीप्लाई करोगे इस फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को, तो यहां पर 6 2 जा 12 ए बन जाएगा, 6 9 जा 54 और 6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्योंकि ऐसा करने से क्या फायदा होगा, हमारे पास यहां पर ए का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में 12, 6 से मल्टीप्लाई करने से सेकंड इक्वेशन में भी ए का जो कोफिशिएंट होगा वो 12 हो जाएगा ना, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां लिख भी देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 6 एंड सब्सट्रैक्ट इट from equation first, ये हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो equation first से हम सबसे करने जा रहे हैं, तो equation first को ऊपर लिखेंगे, 12a plus 31b is equals to 167, और first equation को हम 6 से multiply करके लिखेंगे, 12a plus 69 जा 54, d is equals to, अब 6 से इसे भी इंटू करेंगे, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 4 28 जाएगा ये हमारे पास में। क्योंकि हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले जो सेकंड जो नीचे वाली जो इक्वेशन हमने लिखी है उसके साइनों को हमको चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, सारे साइन को चेंज करेंगे हम यहाँ पर और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 12a में से 12a गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस, क्योंकि माइनस में इसलिए लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मैं माइनस 54 बड़ा है, मतलब 54 बड़ा है और उसका साइन अब माइनस हो चुका है, तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, और 31 का साइन जो है वो प्लस में है। तो देखिए माइनस में 54 हो चुका है और 31 प्लस में है, तो एक माइनस का एक प्लस का है, तो आपको सब्सट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और साइन किसका लगाएंगे आप, 54 का लगाएंगे क्योंकि 54 बड़ा है, तो हमने यहाँ पर माइनस हो चुका है ना साइन, तो इसलिए यहाँ पर माइनस भी ले लिया। और माइनस क्यों करना पड़ रहा है, सबसे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्लस का है 31 और एक माइनस का है 54, जब अलग अलग साइन वाले जो दो नंबर होते हैं अगर उनको हमको ऐड करना है तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तो जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2, ये 23 डी आ गया। अब यहां पर भी सेम कंडीशन है, ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस हो चुका है, पहले प्लस था माइनस हो चुका है, तो एक माइनस का एक प्लस का जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा प्लस और माइनस के कारण से, अलग अलग साइन होने के कारण से। अब 12 में से 5 7 गया 5, 7 में से 6 गया 1, क्योंकि यहां से आप इधर एक कैरी दे चुके हैं, मैं नीचे से ऊपर वाले को माइनस कर रहा हूं, यहां पर भी मैंने नीचे से ऊपर वाले को माइनस किया था क्योंकि नीचे बड़ा था, जो बड़ा होगा उसी से माइनस करेंगे ना, सब्सट्रैक्ट करेंगे हम। तो यहां पर 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 माइनस का, क्योंकि ये माइनस 28, देखिए ये 28 जो है वो माइनस 282 और ऊपर है प्लस 167, तो हम देख रहे हैं कि माइनस वाला नंबर बड़ा है, इसलिए हम माइनस यहां जरूर लगाएंगे। अब डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 115 अपॉन 23 डी निकालने के लिए, और माइनस 23 ये माइनस में था, ये साइन के साथ नीचे आएगा, अगर आप ये पूरा उठा करके इस तरफ लाते पूरा तो माइनस का ये प्लस हो जाता, लेकिन आप डी के आगे माइनस 23 डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उसको डिवाइड में ला रहे हो, तो जो भी चीज किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है और वो उसमें से निकल करके डिवाइड में जाती है तो साइन के साथ में आती है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 23 5 जा हो जाएगा ये, तो हमारे पास में डी कितना आ गया 5, तो कॉमन डिफरेंस तो हमें पता चल गया कि 5 है। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में जो हमको इजी लगती है वहां पर डी की वैल्यू को रख करके और ए की वैल्यू को निकालेंगे, ऑब्टेन करेंगे। तो हमने देखा सेकेंड इक्वेशन काफी ईजी है, फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से या कोई भी और इक्वेशन आपको जो दिखाई दे रही है वहां पर हमने देखा कि सेकंड इक्वेशन बहुत इजी इक्वेशन है और उसमें आप आराम से डी की वैल्यू को रख करके ए को निकाल भी सकते हैं ना।
तो ये वही हम यहां करेंगे। तो यहां लिख भी देते हैं, पुट डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में हमने पुट कर दिया, पुट किया तो अब हमारे पास में आ जाएगा 2a9, 2a प्लस, देखो 2a प्लस 9d था, तो d की जगह पे अब कौन आने वाला है 5, क्योंकि हमने d की वैल्यू 5 को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब यहां है 47 इज इक्वल टू 47 भी था सेकंड इक्वेशन में, तो वो भी हमने यहां रखा है, ये हो जाएगा 2a 95 जा 45 और ये 47 2a 4। अब आप क्या करेंगे, इस 45 को उस तरफ लेकर के जाएंगे, तो 47 माइनस 45 हो जाएगा और आ जाएगा 2, तो a आ जाएगा आपके पास में, यहां पर 2a इज इक्वल टू 2 आएगा और फिर यहां पर आप a को निकाल पाएंगे, 2 अपॉन 2 कैंसिल होकर के आ जाएगा 1, तो आपके पास में a की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 5 आ गई। तो बहुत सिंपल है, अब तो आपने ap को कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो ap को कंस्ट्रक्ट करना है, तो देखिए हम यहां पर बना लेते हैं, यहां पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, a होता है और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1, तो जो सेकंड टर्म होगा अब उसको निकालते हैं हम, सेकंड टर्म होना चाहिए a प्लस d, a प्लस d, तो a कितना है 1 और d कितना है हमारे पास में, a है 1 और d कितना है 5, ये हो गया 6, तो थर्ड टर्म कितना होना चाहिए, थर्ड टर्म होना चाहिए a प्लस 2d, यानी कि 1 प्लस 2 और d कितना है 5, तो यहां जाएगा 2 5 10 11, तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन टर्म बना लिया। अब देयरफॉर AP, AP क्या होगा, ऐसा होगा पहले हम फर्स्ट टर्म को लिखेंगे वो है 1, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सेकंड टर्म को लिखेंगे वो है 6, यहां हमने निकाला है, फिर थर्ड टर्म को निकालेंगे वो होगा 11 एंड सो ऑन, तो ये AP हमने फॉर्म कर लिया।